भारतीय जनता पार्टी को एक अहम अहम जीत मिली है। 500 वर्ष का जो एक नया इतना लंबा समय था राम श्री राम मंदिर को बनने को, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की जीत है जो भगवान राम को अपना आराध्य देव मानते हैं, जो उन पे आस्था रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ये उनकी जीत है। आज 500 साल का काला इतिहास समाप्त हुआ है। मोदी जी ने नीम का पत्थर रख दिया है, विशाल भव्य मंदिर वहां पर बनने वाला है। दिवाली को जब 14 वर्ष पूरा होने के बाद भगवान राम वापस लौटे तब मनाई गई थी, आज तो महादिवाली है। हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के अंदर अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की फोटो लगी है, इसकी बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, मसूरी वासियों को राम जन्मभूमि के इस शिलान्यास की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भगवान राम से प्रार्थना करता हूं, हमको इतनी शक्ति दे, हमको इतनी सामर्थ्य दे, यहाँ आपके चरणों में आए, अब आप रामलला के दर्शन अयोध्या में जाकर करें और हमारे को हर कष्ट बीमारी दुख से बचाए और जिन परिस्थितियों में आज देश गुजर रहा है भारत से बाहर निकले, ऐसी भगवान राम से प्राप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मनु जी, आज बताएं कैसा आपके लिए कैसा दिन है आज? सन 89 से मैंने भाजपा के कार्यकर्ता जो है उसको ज्वाइन किया, कार्यकर्ता बनकर काम किया। सन 92 में जो लहर आई थी, छोटे छोटे थे, जो माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार थी और इनके नेतृत्व में जो राम लहर बनी और अयोध्या में पूछ के लिए कहा है लोगों ने, तो उस समय से एक ललक थी कि ये अयोध्या में राम मंदिर कैसा होगा। रामायण पढ़ी थी, रामचरित मानस पढ़ा था, लेकिन जो बीजेपी द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था तो हम लगते सोचते थे कि आखिर होगा क्या इसमें, तो आज वो पूरी परिक्रमा हमारे सामने आ रही है। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका पूजन किया, तो उसको देख कर लग रहा है कि वो नगरी अपने आप में एक अद्भुत नगरी रही होगी। और आज ये भारत में कहीं ना कहीं 500 साल पुराना या 1500 साल पुराना राम राज्य जिसकी हम कल्पना करते थे, शायद हम देखें ना देखें कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, राम राज्य जो था उसको देखेगी, क्योंकि जाति भेदभाव छोड़ के जो राम जी ने उस समय कहा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में वही तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं भारत की जनता के, और हम शुक्रगुजार हैं उन कार्य सेवकों के जिनके माध्यम से आज हमारी जैसी पीढ़ी को इतना बड़ा इस राम मंदिर जो काल्पनिक था और जिसको हम रामायण में पढ़ा करते थे आज देखने को मिल रहा है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। नैनीताल नगर के लिए कितने मायने रखता है आज का दिन? नैनीताल नगर अपने आप में मेरे को जहाँ तक लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इसकी एक अलग छवि है। सन 92 में जब राम मंदिर के लिए यहाँ से वहाँ गुंबद टूटा जा रहा था, बाबरी मस्जिद वाला ढांचा गिराया जा रहा था, तो यहाँ हम टीवी में उसमें दूरदर्शन में चलता था, देख रहे थे। यहाँ पर कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई कुछ नहीं, आपस में मिलकर देख रहे थे। ढांचा गिरता हुआ देखा हमने, बाजारें खुली थी, और मतलब वही भाईचारा जो राम राज्य की कल्पना हम किया करते थे, आज वो राम राज्य फिर दोबारा नैनीताल में स्थापित होने जा रहा है। जो सन 92 से है आज पुनः यहाँ पर स्थापित होगा, क्योंकि नैनीताल नगरी अपने आप में एक मिनी अयोध्या नगरी इसको कहा जाए वो है, और हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नैनीताल नगर में ऐसी छवि हमेशा बरकरार हो। आज यहाँ ये मंदिर की स्थापना की गई है। यहाँ पर आज जो अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर आज मोदी जी के द्वारा शुरुआत की जा रही है, उसी की तर्ज पर यहाँ पे भी श्री रामेश्वरम शिव शक्ति मंदिर के महंत श्री राजगिरी जी के द्वारा यहाँ पर 5 ईंटें रखकर श्री राम मंदिर जी की शुरुआत की गई है। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है आपको समस्त देशवासियों के लिए, जो वर्षों से मामला लंबित पड़ा हुआ था आज उसकी शुरुआत की जा रही है। और माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी के द्वारा भी इस मंदिर के निर्माण के लिए विधायक निधि से 1,51,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। और समस्त देशवासियों को श्री प्रभु श्री राम जी के मंदिर बनने की शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई।
संपूर्ण भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जहाँ भी आप्रवासी के रूप में भी भारतीय रहता है उसके अंदर एक हर्षोल्लास देखने को आ रहा है। 492 सालों से जो प्रतिष्ठित देश के सनातन धर्मियों को अयोध्या के भीतर भगवान राम की जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर प्रशस्त हो, वो घड़ी आज आ चुकी है। देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था ने इस विवाद को निपटाया और देश की समस्त जनता ने उसको सहस्त्र स्वीकार किया। आज वहाँ भूमि पूजन है। इसके अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद ने संपूर्ण देश भर में कार्यकर्ताओं को आग्रह किया है। उस श्रृंखला में आज बाजपुर में भी 101 किलो लड्डू का महाप्रसाद का भगवान को भोग लगाकर यहाँ वितरण चल रहा है। आज शंखनाद जो आसपास के मंदिर और मठ के पुजारी जन हैं, आदरणीय सम्मानित पूज्य पुजारी जन हैं, उनको बुलाकर शंखनाद कराया। सभी कार्यकर्ता बंधु आज भगत सिंह चौक बाजपुर में एकत्रित हुए। पूजन, शंखनाद और हनुमान चालीसा के पश्चात महाप्रसाद का वितरण चल रहा है।